भाई दूज पर केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, और आज से ही दिल्ली में महिलाएं डीटीसी बस में मुफ्त में फ्री में यात्रा कर सकेंगी। तो सीएम केजरीवाल ने 15 अगस्त को इस बात का ऐलान किया था, इस बात का जिक्र किया गया था कि मेट्रो और साथ ही बसेस में महिलाओं को मुफ्त सेवाएं दी जाएंगी, फ्री में वो यात्रा कर पाएंगी। लेकिन फिलहाल भाई दूज के मौके पर ये तोहफा दिल्ली की महिलाओं को दिया गया है, जहां पर चाहे वो डीटीसी की बस हो या फिर क्लस्टर बसेस क्यों ना हो, तो दोनों ही बसों में महिलाएं अब फ्री में सफर कर पाएंगी। हालांकि मेट्रो को लेकर भी जिस तरह से कहा गया था, तो ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने यहां पर साफ इनकार कर दिया था, बजट में कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा था। लेकिन चुनावों से पहले, चूंकि दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में चुनावों से पहले जिस तरह से ऐलान ये यहां पर सीएम केजरीवाल की तरफ से किया गया है, ऐसे में इसको चुनावी स्टंट बताया जा रहा है और कोशिश यहां पर लोगों को लुभाने की जा रही है। सरकार के लिए घाटा भी है, हाँ अच्छा भी है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, सुविधा मिल रही है, पर सरकार के लिए घाटा भी है, सरकार को तो बहुत मुश्किल होगा। ये मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है, जो गरीब महिलाएं अपना जो भी आती जाती रहती हैं, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है, तो उनके लिए अच्छा ही है। मैं तो चाहती हूँ कि अच्छा ही हुआ है, जो भी हुआ है ये अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है केजरीवाल सरकार। मेरे यहाँ संगम बिहार में कभी सुधार नहीं हुआ आज तक, जितना अब सुधार हुआ किसी भी सरकार में नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा। पानी हर चीज़ की सुविधा दी है, रोड बना दिए, इससे अच्छी क्या बात है। खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे, जितनी बड़ी खुशी हमें दी है।